हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद जबीन। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त सी रेसिपी बताने जा रही हूँ डोनेट्स की, और उम्मीद है आप लोग लाइक करेंगे। बच्चे तो बहुत लाइक करते हैं, मैं भी बहुत लाइक करती हूँ। और चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। लेट मी शो यू इंग्रेडिएंट्स। हमने फ्लावर लिया है 500 ग्राम, और अंडे 2 लिए हैं, और बटर 105 ग्राम लिया है, सॉल्ट हमने 1 टीस्पून लिया है, और शुगर हमने लिया है 3/4 कप यानी 150 ग्राम लिया है, और यीस्ट हमने 1 टेबलस्पून लिया है, और पानी गरम 1/4 कप लिया है, और दूध जो है हमने 1/2 कप लिया है, और वनीला एसेंस हमने लिया है। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, जब डालेंगे तो आपको दिखाऊंगे। अब हम इसमें यीस्ट डाल के पानी में रख देंगे। हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे फूलने के लिए। अब हम इसमें अंडे डालेंगे 2, फिर हम इसमें डालेंगे शुगर, डालेंगे दूध, अच्छी तरह फेटेंगे इसमें। शुगर अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। वनीला एसेंस हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। अब फिर हम इसको उसमें आटे में डाल के सारे मिक्सचर इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अभी मैं दिखाऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। अब हम पहले इसमें मैदे में नमक डालेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर बटर डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ये आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बटर ज़रा टाइम लेगा मिक्स होने में, तो इसको मिक्स करते रहेंगे। अब ये हमने 10 मिनट के लिए रखा था, ये देखें कैसा फूल गया। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। अंडों का जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसको एक दफा और चला लें अच्छी तरह। क्योंकि हमने शुगर डाली है तो उसको हल होना चाहिए इसमें अच्छी तरह से। अब ये वाला मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। मैंने हाथ धो लिए थे मिक्स करने से पहले। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसके साथ। मैंने इसको अब गूंद के रख दिया अच्छी तरह। अब हम 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे, जब तक ये फूलेगा। इसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या करना है। अब हमने ये 2 घंटे के बाद निकाला है, और ये देखे कितना ये फूल गया है।
अब हम इसे 5-10 मिनट और भी रखेंगे, फिर उसके बाद हम डोनट्स काटेंगे। अब हम इसको बेल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इसकी थोड़ी थोड़ा थिक रखना है इसको, देखें इधर से, ये थोड़ा थिक, इतना थिक करके इसको रखेंगे ताकि ये अच्छा मोटा फूलेगा। अब हम इसे काटेंगे। आपके पास कटर है तो मैंने लिया है, और ये बिल्कुल अच्छा साइज है डोनेट्स के लिए। मैंने इस तरह ये काट लिए, और आप अब इसको ये हटाएं इस तरह आस्ता आस्ता से, बाकी का। ये हमने नोजल के थ्रू देखेंगे, सेंटर में लेके जाएं और इसको फिर कर दें प्रेस करके, ये निकाल लें और फिर दूसरे को भी इसी तरह करें। अब हमने ये काट के रख दिए, और 20 मिनट के लिए इसे और रखेंगे, इसके बाद फ्राई करेंगे इनको। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं, एक साइड 30 सेकेंड के लिए करें और दूसरी साइड फिर 30 सेकेंड के लिए करें। ये देखें हमने फिर डाल दिए हैं इसमें, और 30 सेकेंड नहीं होते तो फिर आप देखते रहें, अगर ब्राउन नहीं हुए तो फिर थोड़ा सा टाइम और ले लें, बेशक 1 मिनट तक कर सकते हैं। लाइट ब्राउन सा रखें इसको। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है, गोल्डन। और अब हम इसको निकाल लेंगे 30 सेकेंड के बाद, बस एक एक साइड करेंगे आराम आराम से। इसको थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो हम इसे और थोड़ा, बस ये बहुत प्यारा कलर आ गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसको खड़ा करके रखेंगे ताकि इसका ऑयल निकल जाए सारा, और इस तरह रखें ताकि ऑयल नीचे की तरफ चला जाए। अब हम जो ग्लेज बनाएंगे और टॉपिंग करेंगे उस सबके लिए चीज़ें सारी रिक्वायर्ड है। ये हमने लिए लोटस बिस्किट, और वाइट चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट ली है, किंडर चॉकलेट ली है हमने, और फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली है। ये बटर लिया है हमने 15 ग्राम, और इसका बिस्कॉफ के स्प्रेड लिया है हमने थोड़ी सी, और इसके साथ ये आइसिंग शुगर है वो हमने 85 ग्राम लिया है, और दूध लिया है वार्म करके हम लोग डालेंगे ये इसको, तो ये 2 या 3 चम्मच हम इसमें से दूध इस्तेमाल करेंगे। और वनीला एक्सट्रैक्ट लिए 2 से 3 कतरे हम वो लेंगे, और कोको पाउडर जो है वो 12 ग्राम लेंगे। वनीला ग्लेस के लिए हम लोग इसमें शुगर डालेंगे, और इसमें बटर डालेंगे, और अब मिल्क लेंगे इसमें से 2-3 चम्मच मिल्क लेंगे, दो हमने चम्मच डाले अभी हम देखते हैं इसमें। और मैंने 1 चम्मच और इसमें मिल्क डाला है वार्म करके, तो टोटल 3 चम्मच हमने डाल दिए हैं इसमें, और ये थोड़ी रनी होनी चाहिए। अब हमने इसमें 2 कतरे जो है वनीला एक्सट्रैक्ट के डाले, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। टॉपिंग बनाने के लिए हम लोगों ने वनीला ग्लेस की रेसिपी वही है, और उसमें हमने 12 ग्राम कोको पाउडर शामिल कर दिया। इसको मिक्स कर लेंगे। अब जरा सा मिल्क इसमें ऐड कर रहे हैं हम, तकरीबन 2 स्पून, और इसको अभी हमने इसमें कोको पाउडर मिक्स कर दिया, आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये बन गया। और अब इसमें डिप कर देंगे उसको डोनेट को। थर्ड टॉपिंग की तरफ अपनी, और इसके लिए हमने वनीला ग्लेज में बिस्कॉफ स्प्रेड डाली है,
व्हाइट टॉपिंग तैयार करने के लिए हमने वनीला ग्लेस में ही व्हाइट चॉकलेट मेल्ट करके डाली है और 40 ग्राम और ये देखें इस तरह मेल्ट होगी। अब इसको हम डाल देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करके डोनेट पे लगा लेंगे। हमने ये मुख्तलिफ तरीके से डेकोरेशन और वो की है टॉपिंग। आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उससे आप कर सकते हैं टॉपिंग और इसके डेकोरेशन। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। आप ये डोनट्स बनाएं और इन्जॉय करें। देखें ये कितने खूबसूरत डोनेट बने हैं। मैंने प्रोफेशनल लेवल के ये डोनेट्स बनाए हैं और इसकी टॉपिंग भी बहुत ज़बरदस्त की है और आप ये देख सकते हैं कितने यमी मज़ेदार लग रहे हैं और मेरा तो दिल चाह रहा है मैं फ़ौरन खा लूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी वीडियो लाइक की है, मेरी कुकिंग लाइक की है, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बताएँ कि आपने और क्या क्या पसंद करेंगे ताकि मैं आपको बना के